हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करूंगा आप सब अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप भगवान को जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाओ। तो दोस्तों, यहां पर आज बहुत ही बजट बजट के हिसाब से एम्पलीफायर आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और आप अगर इसको लेना चाहते हो तो इसके लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना और एक वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग्स वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 6583 का सिंगल आईसी का एम्पलीफायर, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल के साथ इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं वो सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर एम्पलीफायर है। तो मैं इसके पहले ओपन करूँगा और ओपन करने से पहले यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस एम्पलीफायर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये भी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको पहले ओपन कर लूँगा दोस्तों। ये हमारा है एम्पलीफायर जो कि नया है, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक छोटा सा एक रिमोट देखने को मिलता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम बॉक्स को साइड में रख देते हैं और यहाँ पर ये रिमोट आप देख ही सकते हो छोटा सा है, जो कि इस एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए है, वॉल्यूम डाउन अप सॉन्ग चेंज करने के लिए है, ठीक है। तो ये तो सबको ही पता है, तो हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लुक एम्पलीफायर का कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो HPX, ये तो ऊपर से चिपका हुआ है। तो हम कंपनी पे नहीं जाएंगे, हम एम्पलीफायर की बात करेंगे, क्योंकि कंपनी के जो मार्केट के अंदर बहुत सारे एम्पलीफायर अवेलेबल हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, जिस कंपनी का आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर एक 4 इंची स्पीकर लगा हुआ है। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर हमें एक USB पैनल देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप मेमोरी सॉकेट लगा सकते हो, प्लस जो मेमोरी कार्ड है वो भी लगा सकते हो अगर आपके पास सॉकेट नहीं है तो। और ऊपर से आप मोबाइल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, जो ऑक्स केबल होती है उसके थ्रू। और यहाँ पर हमें 4 वॉल्यूम देखने को मिल जाएंगे, जो कि वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन है। और एक मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप ब्लूटूथ इससे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक मेन वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरे स्पीकर को कम ज़्यादा आवाज़ के लिए है। और 2 वॉल्यूम और देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेस और ट्रेबल के हैं। जब आप बेस, जो ढोलक आवाज़ होती है उसको लिए आप बेस बढ़ा सकते हो, और जो झनकार की आवाज़ होती है, जो पतली आवाज़ होती है, वो आप ट्रेबल से बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सब इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। और पीछे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट में ये जो केबल है दोनों की, ये हमें पता नहीं है, बट इसका यूज़ बहुत ही कम होता है, इसलिए ये हमें वैसे तो ये ब्लैक और वाइट रेड की दी गई है। तो इसके अंदर हो सकता है जो अपन टीवी वगैरह इससे कनेक्ट करके चला सकते हैं। बड़े सिस्टम में भी बहुत ही कम उपयोग होता है, इसलिए इसे हम काम में नहीं लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 12 वाट DC। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है प्लस वाला, इसके अंदर आपको लाल वायर लगाना है बैटरी कनेक्शन का, और इसके अंदर ग्राउंड वाला जो काला वाला है वो हमें माइनस वाला लगाना है। यानी कि आपके पास बाइक हो, कार हो, या फिर 12 वोल्ट की बैटरी हो, तो आप इसको बिना लाइट से भी इस एम्पलीफायर को चला सकते हो। और यहाँ पर एक बटन दिया गया है ईस्ट और इन का, अगर आप इसको ऊपर रखते हो तो जो अंदर का स्पीकर है वो चालू हो जाएगा, और अगर आप ईस्ट करोगे तो जो बाहर स्पीकर आप लगाओगे वो स्पीकर बाहर की साइड बटन करने से चालू हो जाएंगे। और यहाँ पर दो दे गए हैं वायर लगाने के लिए, आप 4 इंची के एक स्पीकर लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो IC है वो 4 इंची स्पीकर को आराम से चला देगी। अगर आप बड़े स्पीकर लगाओगे तो हो सकता है वो IC ख़राब हो जाए, तो इससे हम रिकमेंड यही करेंगे आप 4 इंची स्पीकर बाहर की तरफ भी चला सकते हो। अब बात आती है हम इस टेस्टिंग की, हमने इस एम्पलीफायर का फुल रिव्यू कर लिया है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, जिसकी हेल्प से मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और आपको कुछ समझ में ना आए तो भी मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम्पलीफायर है, बहुत ही बढ़िया लुक है इसका। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मैं इसकी प्राइस भी बता दूंगा। ये मार्केट के अंदर दोस्तों 500 के ऊपर ऊपर बिकता है, 550-600 में भी आपको मिल सकता है। इससे एक थोड़ा सा हेवी भी आता है, वो 600+ जाता है, ठीक है। तो ये 550 के आसपास 500 के अंदर आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर, और इससे कम रेट हो तो वो आप पता लगा लेना मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब बात आती है हमें इस टेस्टिंग की, तो इसके अंदर हम जो ये केबल आप दिख रहे हो मेन केबल,
ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन इसके अंदर और है जो मैंने आपको नहीं बताया है। तो यहाँ पर जहाँ पर FM वगैरह चलता है, ठीक है, वहाँ पर आप इसको FM से भी चला सकते हो। ये जो वायर दिया गया है येलो कलर का, ये एंटीना का है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे एंटीना। इस वायर को आपको यहाँ पर ज्वाइन करके और लंबा करके आपकी जो छत है या फिर आपका जो घर है उसके ऊपर आप इसको एंटीना को कनेक्शन दे के इसको कनेक्शन करवा के FM वगैरह भी इसके अंदर चल जाएगा बिना मेमोरी सॉकेट से, बिना ब्लूटूथ कनेक्ट से, ठीक है, ये आप चला सकते हो। बट बहुत सी जगह पे सिटियों वगैरह में नहीं पकड़ता FM, बट जो गांव वगैरह में है वो FM चल जाता है। अगर आप चाहते हो कि हम इसको FM से भी चलाएं तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो अब हम आती है टेस्टिंग की बात, इसका साउंड चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं है, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा ये एम्पलीफायर लेने लायक है या नहीं है। बहुत ही बजट के हिसाब से 500 रुपये में आप क्या ही लोगे, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने इस एम्पलीफायर को चालू कर लिया है 220 वाट AC देकर, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर BT लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर हमने फ़ोन से भी इसको कनेक्ट कर लिया है। अब आप इसका साउंड चेक करना कैसा है कैसा नहीं है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका साउंड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, टेक केयर।